हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फैंटेसी फैक्टर्स। वीडियो में यहाँ पे बात करने वाले, यहाँ पे रोड सेफ्टी T20 वर्ल्ड सीरीज का जो अगला मुकाबला होने वाला, जो कि मैच नंबर 9 होगा फ्रेंड्स, जो यहाँ पे खेला जाएगा इंडिया लेजेंड्स वर्सेस इंग्लैंड लेजेंड्स के बीच में। इसके हम लोग यहाँ पे आप लोग को रिवन के स्मॉल लीग की प्राइम टीम प्लस फ्रेंड्स आप लोग के लिए यहाँ पे ग्रैंड लीग के लिए जो भी इंपॉर्टेंट और की प्लेयर होंगे उनके बारे में यहाँ पे काफी डिटेल में डिस्कस करके बताएंगे। प्लस दोनों टीमों को आपस में हम कंपेयर करके आपको दिखाएंगे कि आप लोग को टीम किस प्रकार से बनानी, कॉम्बिनेशन आप लोग को किस प्रकार से बनानी और ग्रैंड लीग में आप लोग को किस किस प्रकार से यहाँ पे प्लेयरों को चूज करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपली पहले बात करेंगे यहाँ पे इंडिया लेजेंड के। ठीक है, तो आप लोगों को पता है फ्रेंड्स टोटल अभी तक 3 मुकाबले खेले, 2 मुकाबले खेले थे 2020 में। ठीक है, एक मुकाबला खेला 2021 में, काफी शानदार तरीके से बांग्लादेश लेजेंड्स को इन्होंने हराया। ठीक है, एक तो 10 विकेट बांग्लादेश लेजेंड्स के लिए इन्होंने, ऊपर से फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि पूरे 10 विकेट से यहाँ पे मैच को विन भी किया। तो फ्रेंड्स इसी बात पर इंडिया के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पे इंग्लैंड लेजेंड्स की, तो फ्रेंड्स इन्होंने भी यहाँ पे एक मुकाबला खेला 2021 में, 2020 में ये खेल नहीं पाए थे। तो इंग्लैंड लेजेंड ने 2021 में पहला मुकाबला खेला, उसे ही इन्होंने काफी शानदार तरीके से विन किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों टीमों का जो अभी रिसेंट रिकॉर्ड रहा, रिसेंट परफॉर्मेंस रहा, उसे हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखो तो इंडिया लेजेंड्स की तरफ से वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर, आपको पता है कि इनकी जोड़ी कितनी शानदार है। ठीक है, और ये चीज़ आप लोगों को पहले मैच में देखने को मिली, यहाँ पे 80 रन पे नॉट आउट रहे थे वीरेंद्र सहवाग और 33 रन पे नॉट आउट रहे थे सचिन तेंदुलकर। ठीक है, दोनों ने फ्रेंड्स यहाँ पे मैच को एक तरफ ही विन करा दिया था, एक प्रकार से आप लोग कह सकते हो, देख सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट डाउन अगर आने वाले थे युवराज सिंह, फिर यहाँ पे मोहम्मद कैफ, यूसुफ पठान, ठीक है, नमन ओझा जो विकेट कीपर है इनके, फिर इरफान पठान, मनप्रीत गौनी, फिर विनय कुमार, प्रज्ञान ओझा और मुनाब पटेल। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें से जो की प्लेयर मैं आप लोग के लिए बताऊंगा वो आप लोग के लिए अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला। ठीक है, अब बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर बांग्लादेश लेजेंड के जो उन्होंने विकेट निकाले थे उसमें फ्रेंड्स किस बंदे ने कितने विकेट लिए। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे इरफान पठान ने 2 ओवर कराए थे, 13 रन दिए थे, कोई विकेट नहीं मिला। ठीक है, विनय कुमार ने फ्रेंड्स यहाँ पे पूरे 4 ओवर, चौथा ओवर इनका चल रहा था। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे फ्रेंड्स 2 विकेट इन्होंने निकाले थे 25 रन देके। ठीक है, अच्छी खासी गॉर्नर से बॉलिंग भी कराई थी। मुनाब पटेल यार काफी एक्सपेंसिव साबित हुए थे, लेकिन बात करो जो 2 मैच इन्होंने 2020 में खेले थे उन 2 मैचों में, एक मैच में 4 विकेट और एक मैच में 2 विकेट इन्होंने निकाले थे, टोटल 2 मैचों में 6 विकेट इन्होंने निकाले थे। तो आप लोगों के लिए ये बंदा ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकता है इस मैच के लिए, तो ये चीज आप लोग ध्यान जरूर देना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मनप्रीत गौनी ने फ्रेंड्स 4 ओवर कराए थे, 1 विकेट निकाला था। प्रज्ञान ओझा यहाँ पे देख सकते हो 4 ओवर करा के 2 विकेट, और युवराज सिंह ने भी यहाँ पे 3 ओवर करा के 5 रन ओनली देके, देख सकते हो यहाँ पे 2 विकेट, 15 रन देके सॉरी, यहाँ पे 2 विकेट निकाले थे, 5 के ओनर से यहाँ पे बॉलिंग कराए थे। ठीक है, यूसुफ पठान ने भी 1 ओवर ओनली कराया था और 1 विकेट निकाल के दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारे लिए यहाँ पे हो जाते हैं इंडिया लेजेंड्स की तरफ से। अब हम लोग यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे दोस्तों इंग्लैंड लेजेंड्स के प्लेयरों की और किस प्रकार से उनका रिसेंट परफॉर्मेंस रहा वो भी एक बार देख लेते हैं। इंग्लैंड लेजेंड्स ने भी यहाँ पे बांग्लादेश लेजेंड्स के साथ 7 विकेट से इस मुकाबले को विन किया था, जहाँ पे फ्रेंड्स इनके जो विकेट कीपर है फिल मस्टर्ड काफी ज्यादा टैलेंटेड बैट्समैन ने 27 रन बनाए थे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पीटरसन इनके साथ ओपन करने आए थे, जिन्होंने फ्रेंड्स यहाँ पे 42 रनों के शानदार इनिंग खेली थी। ये भी फ्रेंड्स काफी ज्यादा एग्रेसिव बैट्समैन बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि युवराज सिंह आप लोग मान सकते हो कि जैसे युवराज सिंह हमारे इंडिया के लिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव बैट्समैन माने जाते हैं, वैसे यहाँ पे पैटरसन भी यहाँ पे उसी कैटेगरी में आते फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स ट्रेंड मैटी आए थे, देख सकते 32 रनों के शानदार इनिंग खेले थे, नॉट आउट रहे थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे सी सॉलफील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स इन्होंने भी 5 रन बनाए थे, फिर यहाँ पे जी हैमिल्टन है 5 रन बनाए थे। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे खेलने आएंगे तो यहाँ पे काबिर अली आएंगे। ठीक है, फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जेम्स ट्रेडवेल आएंगे, ट्रेडवेल तो आप लोग जानते हो फील्डिंग के लिए कितने मशहूर है। ठीक है, फिर यहाँ पे इनके बॉलर है जो क्रिस टैमलेट हो गए, रियान साइड बॉटम हो गए, ठीक है, मॉन्टी पन्नेसर हो गए, मैथ्यू हॉगर्ट हो गए। अब विकेट की बात करेंगे तो सामने वाली टीम के इन्होंने 5 विकेट निकाले, जिसमें से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पन्नेसर ने 4 ओवर कराए थे और 1 विकेट यहाँ पे निकाला। ठीक है, हैगोट ने यहाँ पे सिर्फ 1 ओवर कराया फ्रेंड्स, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना, अदरवाइज ये बहुत अच्छे विकेट टेकिंग बॉलर मैं इन्हें मान सकता हूँ। ठीक है, तो 4 रन इन्होंने दिए थे, कोई विकेट इन्हें नहीं मिला था। फिर यहाँ पे साइड बॉटम ने 3 ओवर पूरे कराए हैं, देख सकते हो 1 विकेट यहाँ पे निकाला गया। यहाँ सी टैमलेट ने यहाँ पे 2 ओवर में 10 रन देके 2 विकेट निकाला, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बॉलर मुझे लगा। ठीक है, फिर यहाँ पे स्कॉलफील्ड की बात करो तो 4 ओवर में फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो 21 रन देके 1 विकेट यहाँ पे निकाला। ठीक है, ट्रेडवेल ने पूरे 4 ओवर कराए, 18 रन दिए, लेकिन कोई विकेट इनके हाथ नहीं लगा। तो ट्रेडवेल पूरे 4 ओवर डालेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना, तो हो सकता है यहाँ विकेट मिल सकते ट्रेडवेल को। ठीक है, फिर यहाँ पे के अली है फ्रेंड्स, यहाँ पे कबीर अली 2 ओवर कराए हैं, 16 रन दिए हैं, कोई विकेट इन्हें नहीं मिला। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों टीमों को रिसेंट परफॉर्मेंस के बेस में कहूँ तो इंडिया के थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे विन करने के चांस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंडिया क्या है, क्या हो जाएगा यहाँ पे इस मैच में कि 75% इंडिया के विन करने के चांस है, 25% यहाँ पे इंग्लैंड के विन करने के चांस है। यानी कि आप लोगों को अगर 7-4 का कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से हो सकता है 7 प्लेयर इंडिया के, 4 प्लेयर आप लोग इंग्लैंड के ले सकते हो, या फिर 6-5 के भी जा सकते हो। तो 6 प्लेयर आप लोग को इंडिया के रखने हैं यार, 5 प्लेयर आप लोग भले इंग्लैंड के रख लो। ठीक है, थोड़े से
पिच की भी बात करूंगा फ्रेंड्स, तो आप लोगों को पता है ये वाला मुकाबला भी रायपुर में होगा, जहाँ पे कि आप लोगों ने देखा कि बहुत अच्छा चेंजिंग ग्राउंड है। चार मुकाबले अभी हुए हैं, ठीक है, चार मुकाबले पहले भी हुए थे, सारे सारे सभी मुकाबलों में यहाँ पे चेंज करने वाली टीम विन करी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी टीम टॉस विन करेगी वो यहाँ पे फ्रेंड्स फील्डिंग चूज करना पसंद करेगी, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे बात करूँ इस पिच की, तो आप लोगों को थोड़ा सा बैलेंस सा पिच दिखेगा, थोड़ी सी शॉर्ट से बाउंड्री है, जहाँ पे फ्रेंड्स बहुत अच्छे में यहाँ पे रन बनने, जैसे आप लोगों ने देखा वीरेंद्र सहवाग ने बहुत अच्छे यहाँ पे रन मारे थे, बहुत अच्छी बाउंड्री यहाँ पे मारी थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा बैट्समैनों को भी अच्छा फेवर मिल जाता है। बात करूँ बॉलरों की, तो यार आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स पहले दूसरे मैच में जो फर्स्ट और सेकंड मैच यहाँ पे हुआ था उसमें फ्रेंड्स स्पिनरों ने ज़्यादा विकेट लिया एज कम्पेयर टू पेसर, ठीक है। फिर उसके बाद जो तीसरा वाला मुकाबला हुआ था उसमें फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि पेसर और स्पिनर ने लगभग इक्वली विकेट वहाँ पे लिया, ठीक है। तो लगभग धीरे धीरे दोनों को इक्वल सपोर्ट यहाँ पे मिलने लग गया, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप लोग 19-20 के फेवर में जाते हो तो 19-20 में यहाँ पर थोड़ा सा स्पिनर आ गया, ठीक है। तो स्पिनर को यहाँ पे ज़्यादा विकेट मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू पेसर, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे फेवर रख सकते हो अपनी टीम में और स्पिनरों का। अब हम लोग यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स सिंपली टीम की, तो टीम मैंने आप लोग के लिए बना के रखी है फ्रेंड्स। टीम बताने से पहले फ्रेंड्स आप लोगों को कहूँगा अगर आप लोग यार हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। तो अब चलते फ्रेंड्स सिंपली टीम की तरफ, तो टीम में आप लोग देख सकते हो हमने किस प्रकार से यहाँ पे प्लेयर लिए हैं। तो फ्रेंड्स विकेट कीपर सेक्शन से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, तो देख सकते हो यहाँ पे फिल मस्टर्ड के साथ में गया, इनको लेने का रीज़न यही कि ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है जो दूसरे ऑप्शन है नवीन ओझा, इनकी बैटिंग आती नहीं, बहुत नीचे ये बैटिंग करने आएंगे, तो जो भी यहाँ पे 36 पॉइंट आपको दिख रहे हैं सारे विकेट कीपिंग से इनको मिले हैं, तो विकेट कीपिंग से इन्हें पॉइंट मिल सकते हैं। लेकिन जो सामने टीम है इंग्लैंड की वो फ्रेंड्स थोड़ी सी अच्छी मुझे लग रही है, तो यहाँ पे अच्छी टक्कर हो सकती है, इसलिए ज़्यादा पॉइंट मेरे हिसाब से नवीन ओझा को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ग्रैंड लीग में आप लोग एक टीम में ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पे फिल मस्टर्ड के साथ ही जाना है। बैटिंग सेक्शन की बात तो केविन पैटरसन के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बैट्समैन है, ठीक है। फिर वीरेंद्र सहवाग के बारे में तो आपको बताने की शायद जरूरत नहीं है, आप लोगों ने देख ही लिया पहले मैच में, उससे पहले भी जो दो मैच खेले थे, एक मैच में यहाँ पे काफी शानदार परफॉर्मेंस किया था, दूसरे मैच में जरूर फ्लॉप हुए थे, लेकिन फ्रेंड्स फर्स्ट और थर्ड मैच इनका बहुत शानदार गया, ठीक है। फिर वहाँ पर बात करो सचिन तेंदुलकर की, तो तेंदुलकर तो आपको पता मास्टर ब्लास्टर है फ्रेंड्स, इनको तो लेना बनता ही है, ठीक है, इन्हें तो आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। ग्रैंड लीग में मैं कहूँगा कि एक आध टीम में छोड़ के जरूर चल सकते हो, क्योंकि एज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, आप लोगों ने देखा पिछले मैच में थोड़ा स्लो स्लो खेल रहे थे, ठीक है। इस बेस पे आप लोग मान सकते हो कि यहाँ पे इनके विकेट भी जा सकते हैं या फिर कुछ कैच वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। इसके लिए पे डेरन वैडी है लास्ट के मैच में शानदार फॉर्म में नजर आए, तो इनको भी लेना बनता है। फिर यहाँ पे यूसुफ पठान ने यार एक विकेट लास्ट के मैच में निकाला था, तो ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई कर सकते हो, एक आधा ओवर यहाँ पे बॉलिंग डाल के आपको इजिली एक से दो विकेट निकाल के दे सकते हो, ठीक है। एम कैप की बैटिंग नहीं आ पाई थी, लेकिन जो 2020 में इन्होंने मैच खेले थे उसमें इनका ठीक ठाक यहाँ पे परफॉर्मेंस था, उस टाइम पे ये फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा नीचे आ रहे फर्स्ट ओवर मेरे हिसाब से, यहाँ पे युवराज सिंह आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ग्रैंड लीग के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाता है, ठीक है। हैमिल्टन एक और प्लेयर है जो ग्रैंड लीग में आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है, अच्छी खासी हिटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे कोई खास ऑप्शन है नहीं, कोई नया प्लेयर खेलेगा तो डेफिनेटली मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाना, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन की, तो ऑलराउंडर सेक्शन में आप लोग देखोगे तो यहाँ पे टोटल दो ऑलराउंडर के साथ में गया हूँ, ठीक है। पहला नाम होता है युवराज सिंह का, आप लोगों को पता लास्ट की वजह दो विकेट निकाले थे, प्लस फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बैटिंग से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बैट्समैन करते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि कम बॉलों में जो बहुत अच्छा यहाँ पे रन बना सकते हैं उनमें से पहला नाम मेरे हिसाब से यहाँ पे युवराज सिंह का इंडिया की तरफ से आना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो छोटे से यहाँ पे अगर इन्हें दो तीन ओवर मिलेंगे तो फ्रेंड्स इजीली आपको बहुत अच्छी इनिंग खेल के दे सकते हैं, ठीक है। तो युवराज सिंह हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्लस बॉलिंग भी करा रहे हैं। यहाँ पे बात करूँगा इरफान पठान की, तो आप लोगों को पता फ्रेंड्स लास्ट के मैच में इन्हें विकेट नहीं मिल पाया था, लेकिन उससे पहले बहुत अच्छी है विकेट निकाले थे, ठीक है। लास्ट के मैच में आप लोगों ने देखा एक कैच पकड़ा था, प्लस दो की कॉर्नर से बॉलिंग भी कराई थी, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे लिए हो जाते हैं, ठीक है। एक आधा विकेट आपको इजीली निकाल के दे सकते हैं, अदरवाइज आप चाहो तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा बैट्समैन आप लोग रख सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स आपके पास जो और ऑप्शन बचता है, यहाँ पे ट्रेडवेल ने पूरे चार ओवर डाले थे लेकिन इन्हें यार कोई विकेट नहीं मिल पाया, तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे ट्रेडवेल को भी ट्राई करके चल सकते हो, एक अच्छी खासी ग्रैंड लीग के लिए डिफरेंशियल पिक यहाँ पे मेरे हिसाब से ट्रेडवेल आप लोग के लिए इस मैच के लिए हो सकती है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन की, तो बॉलिंग सेक्शन में आप लोग देखोगे फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल चार बॉलरों के साथ में गया हूँ। पहला नाम आता है प्रज्ञान ओझा का, आप लोगों को पता है फ्रेंड्स ओझा भी काफ़ी शानदार फॉर्म में चले, लास्ट के मैच में दो विकेट निकाले प्रज्ञान ओझा ने। फिर यहाँ पे विनय कुमार ने फ्रेंड्स लास्ट के मैच में दो विकेट निकाले, काफ़ी शानदार फॉर्म में नजर आए, ठीक है। तो ये दोनों तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाले। फिर हमने फ्रेंड्स यहाँ पे क्रिस टेमडेट को लिया, टेमडेट की बात करूँ तो आप लोगों को पता है फ्रेंड्स शानदार तरीके से इन्होंने भी दो विकेट निकाले थे लास्ट के मैच में। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो साइड बॉटम जो कि आप लोगों को पता बहुत जाने जाते हैं अपनी बॉलिंग के लिए, तो यहाँ पे ये हमारे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशियल जो कि हमारे लिए क्लीन स्वीप कराने के काम आएंगे वो बॉलर यहाँ पे साइड बॉटम हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे एम पन्नेसर अच्छे ऑप्शन है, एक विकेट इन्होंने भी काफ़ी शानदार तरीके से निकाला, तो पन्नेसर को भी आप लोग चाहो तो ट्राई करके चल सकते हो, ठीक है। स्कॉलफील्ड भी आपके पास एक और
ऑप्शन अवेलेबल है, इनको भी चाहो तो आप लोग ट्राई करके चल सकते हो। और ग्रैंड नेक के लिए सबसे बड़ा नाम मैंने आप लोग को बताया था मुनाब पटेल, तो मुनाब पटेल को मत छोड़ना यार, ठीक है। मैं तो कहूँगा कि स्मॉल लीग अगर आप लोग लेना चाहते तो यहाँ पर लेके चल सकते हो, ठीक है। लास्ट में जो थोड़ी सी दुनाई जरूर हो गई थी, लेकिन उससे पहले 2020 में दो मैचों में यहाँ पे पूरे 6 विकेट निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना है। फिर मनप्रीत गोनी आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है, गोनी को भी आप लोग चाहो तो यहाँ पर ट्राई करके चल सकते हो। खासकर ग्रैंड लीग के लिए आप लोग के लिए ये प्लेयर ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे गोनी और मुनाब पटेल दोनों को आप लोग ग्रैंड लीग में जरूर से ध्यान देना, ठीक है। जहीर खान खेलेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छी चॉइस आप लोग के लिए होने वाली इस मैच के लिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं फ्रेंड्स सिंपली कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी की तरफ। तो वीरेंद्र सहवाग को हमने कैप्टेंसी दी है, वाइस कैप्टेंसी हमने यहाँ पे युवराज सिंह को दिया, ठीक है। मैं कहूँगा कि अगर आप लोग चाहो तो अदर ऑप्शन जैसे आपके पास यहाँ पे केविन पैटरसन काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं इस मैच के लिए कैप्टेंसी के लिए, तो इनको भी आप लोग चाहो तो यहाँ पर लेके चल सकते हो। फिर यहाँ पर सचिन तेंदुलकर है, लेकिन मैं कैप्टेंसी के लिए यहाँ पर थोड़ा सा सचिन को नहीं प्रेफर कर सकता हूँ अभी, क्योंकि आप लोगों को पता फ्रेंड्स थोड़ा सा स्लो जरूर खेल रहे हैं, एज भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। सचिन हमारे लिए एक इमोशन है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप लोगों को ये मैच भी विन करना है, इसलिए आप लोग इस मैच को एक मैच के बेस पर यहाँ पर खेले, इमोशन को अपने दूर रखिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और ऑप्शन की, तो युवराज सिंह बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है, क्योंकि ये फ्रेंड्स यहाँ पे आपको फर्स्ट डाउन बैटिंग करते हुए भी नजर आ सकते हैं और यहाँ पे अच्छी खासी बॉलिंग भी करा ले रहे हैं, विकेट भी निकाल ले रहे हैं, तो इनको आप चाहो तो कैप्टन रख सकते हो। यहाँ पे अदर जो ऑप्शन आपके पास है केविन पैटरसन, वीरेंद्र सहवाग और फिल मस्टर्ड, इनको आप लोग वाइस कैप्टन किसी एक को रख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपकी टीम थोड़ी सी ज़्यादा सेफ मेरे हिसाब से हो सकती है। अदरवाइज आप लोग चाहो तो यहाँ पे यार जो पब्लिक चॉइस है वीरेंद्र सहवाग, आप लोगों को बताया कि इन्हें देख के तो कभी लगा ही नहीं कि ये सीनियर हो चुके हैं, ठीक है। ये मतलब थोड़ा सा एजड हो चुके हैं, बहुत जब भी खेलते हैं बहुत धमाकेदार खेलते हैं, तो अभी भी फ्रेंड्स वही जलवा इनके बाजुओं में है, वही तरीके से खेल रहे हैं, तो हमारे लिए अच्छे कैप्टन मेरे हिसाब से हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टीम के फाइनल प्रीव्यू की, तो देख सकते हो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से हमारी टीम बन गई है, 6-5 का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दोनों टीमें विन करके गई है, इसलिए मेरे लिए ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन मुझे अभी के लिए लगा, ठीक है। अगर जो प्लेयर हैं देखेंगे कि टॉस के बाद किस तरीके से चेंजेस होते हैं, तो वो फाइनल चेंजेस मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे बता दूंगा। अब आप लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स, सेम टू सेम टीम को आपको कहाँ पे लगा लेना, बैट बॉल 11 पे, ठीक है। क्यों लगाना है कि आपको यहाँ पे फायदा होने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे बैट बॉल 11 को डाउनलोड करोगे ना, तो 50 रुपये का आप लोग को स्टार्टिंग के में ज्वाइनिंग बोनस यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। फिर आप लोग जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट डिपॉजिट करोगे ना, 100% आप लोग को बोनस मिलने वाला, यानी कि आपके पैसे डबल होने वाले, 100 डालोगे 200, 1000 डालोगे 2000, 10000 डालोगे 20000 आपके स्टार्टिंग में हो जाएंगे। दूसरी बार डिपॉजिट करोगे तो 75% आप लोगों को यहाँ पे कैश बोनस मिल जाएगा, तीसरी बार में 50%, चौथी बार में 25% आप लोगों को बोनस मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोगों को क्या यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट मिलने वाले वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो जो 49 वाली लीग है 39 में आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। 1399 वाले है 1350 में, ठीक है। 555 वाले 499 में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देखोगे तो बहुत अच्छी यहाँ पे लेस एंट्री फीस आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। सबसे लेस एंट्री फीस मैं कहूँगा कि ऑल ओवर मार्केट में आप लोग किसी भी ऐप से कंपेयर करके देख सकते हो, यहाँ पर सबसे लेस आपको एंट्री फीस देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा लेस कॉम्पिटिशन आप लोगों ने देखा होगा ड्रीम इलेवन में, आप लोग कितनी भी अच्छी टीम बना लो यार आप रेगुलर नहीं विन कर सकते, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छी टीम बना रहे हो, लेकिन आपके सामने जो टीम आ रही है वो उससे भी अच्छी आ जा रही है, ऐसा लग रहा है कि ग्रैंड लीग वाला बंदा आपके सामने आ गया। इसका एक रीज़न है कि कंपटीशन, आप लोगों को पता है ड्रीम इलेवन में करोड़ों प्लेयर खेलते हैं, आप लोगों को ये नहीं पता रहता कि सामने किस प्रकार की टीम आएगी, आप लोग हमेशा ये सोच के चल सकते हो कि वहाँ पर बहुत हार्ड टीम आने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस तरीके का नहीं है, यहाँ पर सारे के सारे प्लेयर अभी नए हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ईजिली बहुत अच्छा विन कर सकते हो, यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग जल्दी से जुड़ जाना और इन सारी चीज़ों का आप लोग यहाँ पर बेनिफिट उठा सकते हो। बाद में हो सकता है ये बेनिफिट्स कम हो जाए या फिर इस तरीके के बेनिफिट्स आपको ना मिले, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड इनिंग भी है, जिसमें आप लोग एडिशनल तरीके से अपने लॉस को कवर कर सकते हैं। आप लोगों को पता है जब एक इनिंग हो जाती है तो दूसरी इनिंग में टीम बनाना कितना आसान होता है ये आप लोग जानते हो, ठीक है। सपोज दैट देख सकते हो आप लोग कि सेकंड इनिंग में बचता ही क्या फ्रेंड्स, आधा मैच तो हो चुका है, ठीक है। आधा मैच आप लोग 95% में कहूँगा कि यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस प्रकार से होगा, और आप लोग यहाँ पे रेगुलर सेकंड इनिंग में विन कर सकते हो। इस चीज़ की भी मैं आप लोगों को यहाँ पे लगभग 90 से 99% तक गारंटी आप लोग को देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से आ जाना, इस ऐप में जुड़ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे रखिए। बाकी फाइनल टीम में जो अपडेट होगा उसके लिए आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाना, टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप लोगों को @fantasyfactor लिख के सर्च करना है, 7600 से ज़्यादा लोग आपको वहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। इसी के आसपास आप लोगों को देखेंगे। इसके अलावा आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डायरेक्टली आप लोग लिंक से जा सकते हो, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों को बस इतना ही बताना था, उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो, चैनल पे आप लोग कुछ भी अच्छा लगा तो चैनल को यार आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसी के साथ यार मैं चलता हूँ इस वीडियो में, तब तक आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को इस मैच की बहुत बहुत सारा गुड लक।